करेंगे वर्म इन्फेस्टेशन की, जिसे अलग-अलग जिसके लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे संस्कृत में कृमि, मराठी में कृमि कहा जाता है, उर्दू में कीड़े कहा जाता है, जंतु जिसे कहा जाता है, और जिसे जंतु के लिए आमतौर पर लोग जत का भी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्यों लेना जरूरी है, क्या ये सिर्फ बच्चों को लेना जरूरी है। कई लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ बच्चों को ही देना चाहिए, खासकर एडल्ट लोग जो है क्लिनिक के अंदर लेडीज हो या जेंट्स हो, ये इस बारे में बात करने के लिए भी शर्माते हैं, इससे रिलेटेड सिम्टम बताने के लिए शर्माते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई कीड़े जो है वो की दवा क्यों लेना जरूरी है। देखिए कीड़े जो है वो मोस्टली 5 किस्म के होते हैं, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, विप वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म। ये जो है किस चीज से फैलते हैं? ये सबसे मेन जो है ओरोफेकल रोड, मतलब हमारे जो है कुछ खाने के जरिए से, गंदी चीज खाने के जरिए से ये हमारे पेट में चली जाती है, इसके अंडे लार्वा जो है, और फिर ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद में अंडे जो है इसके पूरा सा जो है एक एडल्ट रूप जो है वहां पे अपना बना देते हैं, और फिर बाद में वहां पे वो खुद अंडे देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, फिर उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो इसकी जो सबसे पहले फैलने की वजह है वो है खराब मिट्टी। अक्सर जो है इंसानों के और जानवरों के जो है मल में, जो है फीसेस में, यानी लेटरिन के अंदर जो है, जो इंटेस्टाइन से जो अंडे, इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर जो जत अंडे देते हैं, उससे ये अंडे जो है वो लेटरिन के जरिए से बाहर आते हैं इंसानों के और जानवरों के। ये जो लेटरिन जो है वो मिट्टी में मिल जाती है जानवरों के, और वो मिट्टी के अंदर जो है उसके लार्वा, उसके अंडे कई सालों तक के वैसे रहते हैं। फिर वो किसी इंसान के कांटेक्ट में जब वो अंडे आते हैं, चाहे वो स्किन के जरिए से आए आओ, चाहे खाने के जरिए से आओ, फिर वो दोबारा किसी और इंसान को जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ये मिट्टी जो है वो सब्जी को भी लगकर आ सकती है, वही सब्जी अगर हमारे खाने में अगर आ गई, अगर या फिर सब्जी पकाते वक्त अगर पकाने वाले के हाथ में वो मिट्टी के जरिए से वो अंडे लग गए, फिर उसके पेट में चले गए, या फिर वही सब्जी दूसरी सब्जी खाने में अगर आ गई किसी के, तो फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर अंडे, और फिर वहां पे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के अंदर जो है, जो मिट्टी में खेलते हैं, तो उनके स्किन के जरिए से भी इसके अंडे जो है, कीड़ों के अंडे जो है इंसान के जिस्म में चले जाते हैं। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के अंदर जो बहुत सारे बच्चे साथ में खेलते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे स्कूल में बच्चे लेटरिन वगैरह को चले जाते हैं, वहां पे जो अगर वो प्रॉपर से अगर हाथ नहीं धोते, क्योंकि ये लेटरिन के अंदर जो है इसके अंडे होते हैं इसके कीड़ों के, वो अंडे जो है बच्चों के हाथ पे लग जाते हैं, वो इतने बारीक होते हैं कि दिखाई तो नहीं देते, फिर वही जो बच्चा किसी और को हाथ लगा देता है तो उसके स्किन के जरिए से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं कई जो है कीड़े। तो इस तरह से ये एक से दूसरे को कीड़े जो है फैलते हैं, इसके अंडे हमारे जिस्म में जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर ये जो है अपना पूरा सा एडल्ट रूप जो है ये धारण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कीड़े होने के बाद में हमें क्या-क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो है कीड़े के अंदर वो ये है कि पेट में दर्द होना, पेट में गड़गड़ाहट होना, पेट के अंदर जो है चुभन होना, खाना नहीं खाए जाना, पेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है हमें अगर कीड़े होते हैं तो दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो सिम्टम दिखाई जाता है वो खासकर राउंड वर्म के अंदर वो है सूखी खांसी। रात के वक्त में बहुत ज्यादा सूखी खांसी आना, बहुत दिनों तक सूखी खांसी आना, बेचैन हो जाना सूखी खांसी की वजह से, सूखी खांसी की वजह से छाती में दर्द होना, कई बार दूसरी दवाइयाँ लेने के बाद में भी सूखी खांसी कम नहीं होना, तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपको कीड़े तो नहीं हो गए जिसकी वजह से आपकी खांसी कम नहीं हो रही। प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया है कि सूखी खांसी वाले पेशेंट को बहुत सारी दवाएं देने के बाद में भी अगर आराम नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को अगर क्रम की दवा दे दी जाती है, जत की दवा अगर साथ में दे दी जाती है, तो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। कई पेशेंटों को कीड़े पेट में हो जाने के बाद में वीकनेस लगती है, खाना नहीं खाया जाता है, खाने को देख के मतली होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हल्का टाइफाइड बताता है, विडाल पॉजिटिव बताता है, लेकिन टाइफाइड का ट्रीटमेंट करने के बाद में भी पेशेंट को आराम नहीं होता है, ऐसे वक्त में भी अगर हम कीड़े की दवा दे दिए तो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। तो आपको जानना चाहिए कि अगर आपको भूख नहीं लग रही, सुस्ती आ रही है, या अगर आपको कमजोरी लग रही है, तो भी आपको कीड़े पेट में आपके कीड़े हो सकते हैं। तीसरी निशानी खासकर जो बच्चों के अंदर देखा जाता है थायराइड वर्म के अंदर, वो ये है कि बच्चों के अंदर अक्सर रात में जो है एनल की जगह खो जाती है, गुदा मार्ग जो है बच्चों का खो जाता है, लेटरिन की जगह रात में बच्चे बहुत ज्यादा खो जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, रात में अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो ये जो थायराइड वर्म में कहा जाता है कि रात के वक्त में ये जो है इंटेस्टाइन से बाहर आकर लेटरिन की जगह पे आकर जो है अंडे देती है, इसकी वजह से बच्चों को रात के वक्त में खुजली शुरू हो जाती है।
तो अगर बच्चे रात में लैंगिक की जगह खुजा रहे हैं, लैट्रिन की जगह खुजा रहे हैं, तो आपको उसको जद की दवा देना जरूरी है। बल्कि इस वक्त तो कहा जाता है उपकरण के अंदर अगर ये सिम्टम अगर बच्चे को है तो आपके पूरी फैमिली को डिवर्मिंग कराना है, पूरी फैमिली को कीड़े की दवा देना है, क्योंकि ये लेटरिन के जरिए से जो कीड़े के अंडे बाहर आ रहे हैं ये आपके दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं बिस्तर के जरिए से, और जो एक से दूसरे की जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, खासकर बच्चे जो है लेटरिन की जगह खुजाने की वजह से जो खुजाते हैं रात में नाखून के अंदर उनके अंडे हो जाते हैं, फिर वो बच्चा और किसी से कॉन्टेक्ट में आता है बगैर हाथ धो के, अगर वो खा ले रहा है तो फिर दोबारा से वही अंडे उसके और पेट में जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में कहा जाता है कि पूरे फैमिली को ही आपको जद की दवा देना जरूरी है। उसके बाद में जो सिम्टम आते हैं वो एनीमिया, खून की कमी होना, क्योंकि जद जो हमारे जो कीड़े जो हमारे इंटेस्टाइन में आंतों के अंदर जो रहते हैं वो हमारे खाना जो है खाना चूसना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से जो है पेशेंट को खून की कमी देखी जाती है। तो अगर खून की कमी अगर बार बार हो रही है तो आपको कीड़े की दवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम देखने में आते हैं, चिड़चिड़पना, नींद नहीं आना, गुस्सा होना, अचानक से मूड चेंज हो जाना, ये सिम्टम भी कई लोगों को देखने में आते हैं। अगर ऐसा अगर अचानक से मूड चेंज हुआ लग रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। दूसरे एक सिम्टम बच्चों के अंदर ये आती है कि बच्चे रात में पेशाब करते हैं। कई बार बड़ों के अंदर या बच्चों के अंदर जो है खासकर टेपवर्म अगर हो गए तो भूख अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है। भूख तो बढ़ रही है लेकिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा, बड़ों का वजन नहीं बढ़ रहा, खाना तो पहले से ज्यादा खाने में आ रहा है, नींद बरोबर हो रही है, लेकिन अगर वजन नहीं बढ़ता है तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सिम्टम मिलते हैं तो आपको कीड़े की दवा लेना जरूरी है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कई बार ये कीड़े जो है खासकर टेपवर्म ये बहुत ज्यादा बढ़कर एक गांठ की शक्ल भी ले सकते हैं, जिसे हाइड्रेटेड सीड्स कहा जाता है। ये अपने आपके लीवर को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ये आपको निमोनिया पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये टेपवर्म कई बार दिमाग में भी चले जाकर दिमाग से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं, आपको झटके आ सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि सीटी स्कैन में लोगों के जो है दिमाग के अंदर कीड़े पाए गए हैं। मैंने खुद अपने प्रैक्टिस में दो तीन रिपोर्ट ऐसे देखा जिनके सीटी स्कैन में कीड़े देखने को मिले थे, और हाइड्रेटेड सिस्ट के भी जो है पेशेंट बाहर देखने को मिलते हैं, यानी जो है थ्रेड टेप वर्म के वजह से जो है एक गांठ की शक्ल जो है जतने ले ली है, एक गुच्छे के तौर पे वो जो है लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, पित्त तिल्ली के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं, और उससे रिलेटेड फिर पेशेंट को जो है वो सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर जो है कॉमनली अल्बेंडाजोल दिया जाता है, जो मार्केट में बेंडी नाम से, जेंटल नाम से, एबीजेड नाम से आता है। ये 200 mg जो है बच्चों को 2 से 4 साल तक दिया जाता है, 4 साल से ऊपर अगर बच्चा रहा या बड़े रहे तो उनको 400 mg सिंगल डोज में दिया जाता है। उसके अलावा जो है पेरेंटल पोमेड, निमोसिड नाम से जो दवा आती है वो दी जाती है, एक मेबेंडाजोल जो है दवा, मेबेक्स 100 नाम से ये दवा दी जाती है। ये जो है आपको अपने एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल जो भी आपसे रिलेटेड आपके सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर देगा आपको लेना है। हमारी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट साल में 2 बार डीवर्मिंग कराती है स्कूल गोइंग बच्चों को, तो जरूर आपको उस वक्त में डीवर्मिंग कराना है, मतलब एल्बेंडाजोल टेबलेट जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो अपने बच्चों को जरूर खिलाइए, क्योंकि 6 हर 6 महीने में एल्बेंडाजोल खाना चाहिए ऐसा एक्सपर्ट लोग कहते हैं, क्योंकि कई बार एल्बेंडाजोल कीड़े पेट में होने के बाद में एकदम सिम्टम दिखाई नहीं देते, जब ये बहुत ज्यादा होते हैं, जब सिम्टम दिखाई देते हैं तो फिर इन्हें इरेडिकेटेड करना, इनका इलाज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रिकॉशन के हिसाब से हर 6 महीने में जद की दवा गवर्नमेंट देती है, अगर किसी वजह से नहीं भी देने में आई तो आप प्राइवेट में भी हर 6 महीने में जद की दवा ले सकते हैं। अगर आपको बीच में सिम्टम दिखे तो आपको बीच में भी जद की दवा आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। बात करते हैं, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बार बार कीड़े की दवा ले रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, लेकिन बार बार उसको वही शिकायत हो रही है, तो ऐसे वक्त में क्या करें? तो देखिए ऐसे वक्त में जो है आपको जो है विडंग अरिष्ट बोलकर एक आयुर्वेदिक दवा आती है, एडल्ट के अंदर बहुत अच्छी दवा है, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम में 15-15 ml 2 बार आपको लेना है। विडंग अरिष्ट से सभी प्रकार के कीड़े जो है वो मर जाते हैं। अगर आपको सिरप नहीं लेना है तो आप कुरमे कुठार रस बोलकर टेबलेट आती है वो भी ले सकते हैं। बच्चों के अंदर कुमार्यासो नंबर 3 बोलकर बहुत ही अच्छी दवा आती है, 5-5 मिली 2 टाइम आप दे सकते हैं, ये सभी प्रकार के कीड़े को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो आप जो है आयुर्वेदिक भी साथ में ले सकते हैं। दोस्तों कीड़े से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप हमें जरूर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल डॉक्टर जिब्रेल वाशिम इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए।
थैंक यू।